यात्रा को करने के लिए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यात्रा को बाधित करने की कोशिश, कहीं ना कहीं यात्री को डराने की कोशिश इस वारदात के माध्यम से पाकिस्तान के इशारे पे की गई है। लेकिन कोई यात्री डरने वाला नहीं है। इस यात्रा को और ज़्यादा संख्या में जो है बढ़ाकर किया जाएगा, क्योंकि इस पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए हम आज केंद्र सरकार से आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, और लगातार केंद्र सरकार से ये मांग भी करते रहे कि इस पाकिस्तान को छठी का दूध दिलाने का। आपकी तरफ से क्या चेतावनी? हमारी तरफ से चेतावनी है, यात्रा नहीं रुकेगी, यह यात्रा और तादाद में होगी। यह यात्रा जो है ये रिकॉर्ड यात्रा होगी और हम यात्रियों के साथ हैं। और ये आतंकवादी जो हैं जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है, हम आर्मी पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से अपील करना चाहते हैं कि होने वाली नहीं है। पूरे देश से यात्री जो है वो यात्रा कर रहे हैं। इस बार एक रिकॉर्ड यात्रा होगी और ये यात्रा जो है ये कई लाखों में होगी, और ज़्यादा इस वारदात को करने के बाद और ज्यादा लोग जो हैं वो इस यात्रा को करेंगे, ताकि इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया जाए। बिल्कुल, ये पाकिस्तान की बौखलाहट है। ये सब जो किया जा रहा है ये पाकिस्तान के इशारे पे किया जा रहा है। और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ, और हमेशा जब टारगेट किलिंग होती है या कोशिश की जाती है तब भी मैं केंद्र सरकार से मांग करता रहा हूँ कि पाकिस्तान को जो है छठी का दूध याद दिलाने का काम जो है वो हमारी सरकार करे।